एक बार फिर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने धरती से एस्ट्रॉइड की टक्कर को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह एस्ट्रॉइड 24 सितंबर की रात को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेंगे। नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के मुताबिक 2020 GE और 2024 RO11 नाम के दो बड़े एस्ट्रॉइड पृथ्वी से गुजरेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इन एस्ट्रॉइड से धरती पे कोई खतरा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। ऐसा लगता है कि सितंबर में एस्ट्रॉइड की बारिश हो रही है। नासा ने हाल ही में एक विशाल एस्ट्रॉइड को लेकर के अलर्ट जारी किया था। नासा ने बताया था कि काफी खतरनाक रफ्तार से धरती की ओर एक एस्ट्रॉइड बढ़ रहा है। इसका आकार 720 फीट है, जो एक 60 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इसकी पहचान 2024 ON के रूप में हुई थी। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर एक मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। हमारे सौर मंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टाने हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के पास आ जाते हैं और पास से गुजर जाते हैं। एस्ट्रॉइड को काफी लंबे से धरती के लिए खतरा माना जा रहा है। अगर धरती से एस्ट्रॉइड की टक्कर होती है तो तबाही मच सकती है। कहा जाता है कि एक बार पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकराया था, जिसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे। इसके बाद कई बार एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई गई। अब बात करते हैं उन दो एस्ट्रॉइड की जो 24 सितंबर की रात को धरती के काफी पास से गुजरे। वैज्ञानिकों ने इनके धरती के करीब से गुजरने पर कंपन महसूस होने, भूकंप, तूफान जैसी घटनाएं होने की आशंका जताई है। इन एस्ट्रॉइड को धरती के पास से गुजरते हुए देखा भी जा सकता है। इनमें से छोटा एस्ट्रॉइड 26 फीट डायमीटर का है, जो लगभग एक ट्रक के साइज का है। ये पृथ्वी के नजदीक आ रहा है और लगभग 410,000 मील की दूरी से गुजर रहा है। हालांकि RO11 एस्ट्रॉइड 2024 120 फीट बड़ा है, जो लगभग एक हवाई जहाज के साइज का है। ये पृथ्वी से लगभग 45,80,000 मील की सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। एक और एस्ट्रॉइड 2024 RK7 25 सितंबर को नजदीक आ रहा है। 2024 RO11 से थोड़ा छोटा ये एस्ट्रॉइड है, जो 100 फीट डायमीटर का है। बता दें कि नासा के जेट प्रोबल लैब में इन एस्ट्रॉइड पर नजर बनाए रखा जा रहा है। हालांकि दोनों एस्ट्रॉइड से धरती को कोई ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन स्पेशल दूरबीन से लोग इनकी झलक देख सकते हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिक लगातार इनकी स्टडी करते रहते हैं, ताकि भविष्य में इनके पृथ्वी से टकराने से जुड़ी भविष्यवाणी कर सके। वो इनके पत्थरों को ट्रैक करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये किस तरह अंतरिक्ष में घूमते हैं।